नमस्कार दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्हें प्लांटेशन का बहुत शौक़ है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर कभी हमें आउटडोर जाना पड़ता है लॉन्ग टाइम के लिए, तो प्लांट में पानी लगाने की समस्या होती है। विदाउट वाटर जो है हमारे प्लांट जो हैं जो काफ़ी कॉस्टली भी होते हैं और काफ़ी लंबे समय से हम अपने घर में लगाते हैं तो वो सूख जाते हैं। तो ये आज इस समस्या का समाधान लेकर के मैं आज इस वीडियो को मैं लेके आया हूँ, जिसमें मैं एक ऑटोमेटिक डिपिंग सिस्टम यानी कि जिसके द्वारा हम घर में अपने प्लांट्स को एक ऑटोमेटिक जो है आप वाटर सप्लाई दे सकते हैं, जिससे कि जब भी आप घर से बाहर जाएंगे तो आप जो है आपके प्लांट ख़राब नहीं होंगे और उसमें जो है एक टाइम पीरियड के बाद में अपने आप पानी जो है लगेगा पौधों में। तो देखिए, ये सिस्टम मैंने अपने घर में लगाया हुआ है और ये लगभग मैंने जो है 25-30 प्लांट्स के लिए एक सिस्टम लगाया है जहाँ पर, और आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली जो है ये इस टाइम जो है प्लांट में पानी लग रहा है और हर प्लांट में जो है एक लिमिट में जो है पानी लगता है, एक क्वांटिटी जो है इसकी फिक्स कर दी जाती है, सेट की जाती है कि किस प्लांट में कितना हमें पानी देना है। उस आप जो है इसकी ओपनिंग को पाइप की ओपनिंग से हम सेट कर सकते हैं। तो ये एक टाइमर है ऑटोमेटिकली, ये मैंने इसमें जो है दो टाइप के टाइमर आते हैं, एनालॉग और डिजिटल। तो मैंने एनालॉग मंगाया है और ये ऑनलाइन जो है अमेजोन से मैंने परचेज़ किया है, जिसकी कॉस्ट लगभग जो है 2200 से 2400 रुपये की पड़ती है आपको। और आप देख सकते हैं कि इस एनालॉग टाइमर के अंदर दो टाइप की सेटिंग होती हैं, एक आप अपना फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं यानी कि आप कितने टाइम पीरियड के बाद में यानी कि दिन में आप कितने बार जो है पानी देना चाहते हैं ये सेट कर सकते हैं। तो मैंने 24 घंटे में एक बार की सेटिंग इसमें किया हुआ है और अब मैं रन टाइम की सेटिंग करूंगा। रन टाइम का मतलब ये है कि आप कितने टाइम के लिए जो है आप पानी देना चाहते हैं। सपोज़ मैंने इसमें 30 सेकेंड के लिए, सॉरी 30 मिनट के लिए सेटिंग किया हुआ है कि ये मेरा हर दिन जो है 30 सेकेंड के लिए पानी ऑन होगा और प्लांट्स में पानी लगेगा। तो ये टाइमर देखिए कुछ पाइपिंग सिस्टम के द्वारा मैंने अटैच किया हुआ है पाइपलाइन से, और ये एक वाल्व लगा दिया था और इसके साथ में जो दूसरी फिटिंग्स और पाइप्स लगाए हुए हैं। और वैसे तो इस टाइमर के साथ में और ऑनलाइन आपको जो है दूसरे भी आपका पाइप आते हैं, पीवीसी पाइप फिटिंग्स आती हैं, वो उसकी क्वालिटी काफ़ी डाउन होती है। मैंने जो है जहाँ पे अपने घर में पीयू पाइप और उसकी जो फिटिंग होती है पुश एंड पुल टाइप की, उसको यूज़ किया है तो इसकी क्वालिटी बेटर है, पाइप की क्वालिटी बेटर होती है। तो आप देख सकते हैं कि इस टाइप से जो है मैंने पूरे घर में अपने जो है जहाँ जहाँ प्लांट की रिक्वायरमेंट है वाटरिंग की वहाँ दिया हुआ है। तो इस टाइप से आप भी अपने घर में इस टाइप के टाइमर को लगा सकते हैं और अपने प्लांट्स को सूखने से बचा सकते हैं जब आप अपने घर से बाहर जाते हैं लॉन्ग टाइम के लिए। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद आपका फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। काइंडली शेयर एंड लाइक माई वीडियो। थैंक यू।